क्या हाल है सर? एकदम बस कैसे हो? मस्त, लुकिंग हार्ड, डैशिंग। थैंक यू। बचपन से ये जरूर मेरे लिए नहीं आया ये आदमी। कौन? अरे भाई आपके लिए। आपके लिए मुस्कुरा रहा ही नहीं है जरा भी। आया हूँ तो मॉर्निंग का वीडियो लेके ही जा रहा है। ना ना। अरे भाई तुम्हारो टिप ऑफ छे ने। अच्छा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। डीआईडी मास्टर्स 13 साल पहले मैंने ये शो शुरू किया था और आज वापस मुझे मौका मिला है कि मैं वो शो को होस्ट करूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और बच्चों के जब शोज होते हैं तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ऐसे ही हो जाता हूँ। मतलब क्या कहते हैं, बच्चों में अपना बचपना ऑटोमेटिकली निकल आता है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम बैक ऑन टीवी। एंड जो मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ मैं कर रहा हूँ होस्टिंग एंड यू नो एंटरटेनिंग भी। जैसा कि आपने बोला कि बच्चों के साथ ऐसे ही बचपना निकल जाता है, आपकी बेटी है तारा, उसके साथ भी आपकी काफी वीडियोस वायरल होती है, रील्स, ये सब कितना एंजॉय करते हैं बनाने टाइम आप? बहुत ज्यादा। मतलब मुझे याद है जब वो 6 महीने, आई थिंक 8 महीने की थी, तो मैं रिंग लाइट पे यू नो जब भी ऐसे कुछ शूट करता था, तब एक्चुअली थोड़ा सा लॉकडाउन सब शुरू हो गया था, तो रिंग लाइट को देखती थी कि मैं हंसते हंसते कुछ अपने वीडियोस जो शूट करता उसके लिए मैं करता था। तो उसको भी समझ में आ गया कि रिंग लाइट के सामने आना है मतलब स्माइल करना है। तो अभी उसकी आदत हो गई कि जब भी वो रिंग लाइट देती है, भले लाइट चालू है नहीं है, कैमरा है नहीं है, वो स्माइल करती रहती है उसको देख के। तो उनमें गए और हाँ, मतलब रील्स बनाने में बहुत माहिर हो गई है अभी वो, बहुत वीडियोज परफेक्टली बनाती है। थोड़े तो जीन्स अपने माँ बाप के आएंगे। याद है सर कि आपने बोला कि आप फर्स्ट टीआईडी को शूट किए थे और 13 साल बाद यू आर बैक, सो क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं? बहुत ज़्यादा, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ पे आती है कि 13 साल एक शो करना बहुत बड़ी बात होती है। और 13 साल भी यू नो 13 साल के बाद भी अगर चैन को लगता है कि मैं कुछ और नया ला सकता हूँ, कुछ अच्छा यू नो और एंटरटेनमेंट ला सकता हूँ, वो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहता है। लाइक यू नो चैनल का ट्रस्ट आपके ऊपर पूरे का पूरा रहता है। और उसी चीज़ के लिए आज मैं आया हूँ। पहला दिन है, आई एम गोइंग टू बी वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद मौनी एंड सोनाली बेंद्रे जी और रेमो सर के साथ, तो मैंने काफ़ी काम किया है। सो सुपर एक्साइटेड टू वर्क विद देम। जानना चाहूँगी कितनी मस्तियाँ करने वाले हैं इन लोग के साथ आप? बहुत ज़्यादा। स्पेशली मैं रेमो को तो बहुत पहले से ही जानता हूँ, तो मैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाला हूँ। एंड साइड बाई साइड मौनी के साथ भी बहुत फ्लर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ऑफिशियली क्या हो जाता है कि हम यू नो खूबसूरत लड़कियों के साथ ऐसे यू नो फ्लर्ट नहीं कर सकते। टीवी के बहाने ही क्या कहते हैं, हम फ्लर्ट करते हैं ताकि घर में अगर पूछे भी बीवी तो हम बोल सकते हैं कंटेंट के लिए। अगर बच्चों की बात की जाए, क्या कुछ उनके लिए आप करेंगे स्पेशल, या फिर किस तरह से मैं तो हैंडल करेंगे? मैं हमेशा, मेरी बीवी हमेशा मुझे कहती रहती है कि यदि बच्चों के साथ थोड़ा सा बच्चों की तरह कम और बाप, मतलब जैसे मैं अपने तारा के साथ रहता हूँ तो मुझे बोलती रहती है कि तू बाप कम और यू नो भाई बहन ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि मैं उसको इतना छेड़ता हूँ, इतना उसे इरिटेट करने की कोशिश करता हूँ, मस्ती करते रहता हूँ। तो मुझे कहते हैं कि बाप यू नो बेटी की जोड़ी नहीं लगती, ऐसा लगता भाई बहन एक दूसरे को छेड़ रहे और यू नो परेशान कर रहे हैं। तो मेरा भी यही काम है, बच्चों को थोड़ा सा परेशान करो तो वो खुद ब खुद इतनी बातें करना शुरू हो जाते हैं और इतनी मस्तियाँ करना शुरू हो जाते हैं। और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है वो इतना रॉ और नेचुरल रहता है, वो कोई मैच नहीं कर सकता। वो ये नहीं सोचते कि मैं कैसे दिखूंगा टीवी पे, ये वो। जब बड़े होते हैं लोग तो वो थोड़ा सा सोच सोच के बातें करते हैं, लेकिन जब बच्चे रहते जो मन में आए वो बोल देते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस। अभी अब सना खान की शादी चल रही है और बिग बॉस 15 के सारे कॉन्टेस्टेंट वहाँ पे गए हुए हैं, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा ऑल द बेस्ट अफसाना, विश यू ऑल द लक, हैप्पीनेस इन लाइफ साज के साथ, एंड जोड़ी सलामत रहे, सालों साल रहे, एंड लव यू। ओके, लास्टली अपने ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे डीआईडी को लेकर? मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा दैट प्लीज़ 12 मार्च से देखना ना भूलिए डीआईडी लिटिल मास्टर्स जी टीवी पर 9 बजे। बहुत ही एंटरटेनिंग शो होने वाला है, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे होने वाले हैं, मेरी तो मस्ती होने ही वाली है। यू हैव मौनी, रॉय, सोनाली बेंद्रे एंड रेमो, सो इट्स अ कम्प्लीट पैकेज शो। बहुत ही कमाल का स्टेज बनाया है, इट्स अ फैंटास्टिक शो, प्लीज़ डू वॉच इट 12 मार्च 9 बजे जी टीवी। थैंक यू सो मच।